एक ऐसी महिला जिनको एक ट्रेन एक्सीडेंट ने शरीर से अपाहिज बना दिया और जब मौत और जिंदगी के बीच लंबे संघर्ष के बाद उनको दोबारा जीवन मिला तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दिया है तो इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद होगा। ये महिला कोई और नहीं अरुणिमा सिन्हा है। वे एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी है। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा जी CISF का एग्जाम देने लिए लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वे पद्मावती एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में सफर कर रही थी। बरेली के पास कुछ लुटेरों ने उनकी सोने की चेन और पर्स छीनने का प्रयास किया और जब अपराधी सफल नहीं हुए तो उन्होंने अरुणिमा जी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उनके पैर के ऊपर से ट्रेन क्रॉस की जिसके लिए उनका एक पैर काटना पड़ा। आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय विकलांग महिला है जिन्होंने यह साबित कर दिया कि शरीर से अपाहिज होने से कुछ नहीं होता, दिमाग से अपाहिज नहीं होनी चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो पहाड़ों के चीर कर भी अपना रास्ता बना सकते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, वे गरीबों और विकलांगों की सहायता के लिए शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी के नाम से एक संस्था भी चलाती है। आपको अरुणिमा जी की लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।